आज हम बात करेंगे किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज के बारे में, जिसे थिएटर में और नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पांस मिला। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। लापता लेडीज की कहानी दो नवविवाहित दुल्हनों के इर्द गिर्द घूमती है, जो ट्रेन की यात्रा के दौरान गलती से एक दूसरे के पति के साथ बदल जाती हैं। इस फिल्म में नितांशी गोयल और प्रतिभा रांता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। किरण राव की यह फिल्म 2001 के ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी में फूल कुमारी अपने पति को खोजने के लिए संघर्ष करती है, जबकि दूसरी दुल्हन पुष्पा कुछ और ही योजना बना रही होती है। इन दोनों किरदारों के बीच के संबंध और उनके संघर्ष को देखना बहुत ही रोचक है। फिल्म के अन्य प्रमुख किरदारों में रवि किशन, स्पर्श श्रीवास्तव और छाया कदम शामिल हैं। हर किरदार ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है, जिससे फिल्म और भी जीवंत हो जाती है। इस फिल्म में हास्य, रोमांच और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है, जो उनकी दूसरी डायरेक्टोरियल वेंचर है। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के गांवों में की गई है, जिससे इसे एक वास्तविकता का स्पर्श मिलता है। तो दोस्तों, लापता लेडीज एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। क्या आपने लापता लेडीज ये फिल्म देखी है या नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताना।